हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो मैं आ गई हूँ आज नई पोशाक लेके लड्डू गोपाल की। तो आज हम बनाएंगे इस फैब्रिक से पोशाक। मैंने प्लेन ग्रीन कपड़ा ले लिया अस्तर का, उसके ऊपर मैंने बुकरम पेस्ट कर लिया है प्रेस से, और यहाँ पे मैंने इस टाइप का ब्रोकेट का कपड़ा ले लिया है। पहले हम इसको चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे हमने राउंड में सिलाई लगा दी है। इसको हम ऐसे फोल्ड करके पहले कमर पट्टी कट करेंगे। ये हमने राउंड में कमर पट्टी कर ली है। अब इसके बाद हम यहाँ पे ऐसे कट लगा देंगे और इसको हम ऐसे उल्टा लेंगे। उल्टाने के बाद हम यहाँ पे पहले आसपास इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे ताकि ये राउंड एकदम परफेक्ट हो जाए। तो चलो पहले राउंड में सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारा राउंड रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने फिनिशिंग की सिलाई लगा दी है। अब मैं यहाँ पे इस कलर का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा डार्क है तो मैंने यहाँ पर लाइट कलर यूज़ किया है। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। और इसके मैंने से स्क्वायर कट कर लिए और इस स्क्वायर के हम ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह से। ऐसे करके हम ट्रायंगल बनाएंगे और एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल से हम जॉइंट करेंगे। ऐसे करके दूसरा जो है वो हम इसको ऐसे ऐसे जॉइंट करेंगे। तो पहले हम इसको रेडी कर लेते हैं। हमने ये ट्रायंगल एक के ऊपर एक ऐसे लगा दिए और इसकी हमने पूरी ऐसे एक लेस बना दी है। बहुत ही इजी है ये। इसको थोड़ा थोड़ा एक के ऊपर एक रख के सिलना है हमको, अलग अलग नहीं रखना है। ऐसे करके पूरी लेस बना दी हमने और इसको हम ऐसे करके ऐसे सिलाई लगा देंगे। ऐसे पूरा राउंड में इसको हम सिलाई लगा देंगे। चलो ऐसे सिलाई लगा लेते हैं पहले। तो हमने ऐसे लगा दिया इसको, राउंड में लगा दिया इसको अच्छे से। इसको लगाने से इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें हम कमर पट्टी बनाएंगे और यहाँ पे दोनों तरफ हम ये जो कट है इसको पैक कर देंगे लेस लगा के और कमर पट्टी बना देंगे। इसमें जो वर्क है, जो डिज़ाइन है, वो सिल्वर में है। तो यहाँ पे मैं सिल्वर लेस का यूज़ करूँगी। दोनों तरफ मैं सिल्वर लेस लगाऊंगी और इसको थोड़ा और हेवी बनाने के लिए मैं यहाँ पे भी ऐसे सिल्वर लेस लगाऊंगी, जो वो भी ट्राइंगल में ही है। तो मैं यहाँ पर राउंड में और यहाँ पर दोनों जगह सिल्वर लेस लगाऊंगी। उसके बाद हम कमर पट्टी बनाएंगे। मैंने राउंड में सिल्वर लेस लगा दी है और यहाँ पे भी ये लेस लगा दी है। अब देखिए पोशाक कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें हम कमर पट्टी बना देते हैं। कमर पट्टी हम हर बार बनाते हैं वैसे, पट्टी लेके पीछे की तरफ लगा के आगे से उसको फोल्ड करेंगे। तो चलो कमर पट्टी बना देते हैं। अगर आपको कमर पट्टी बनाना नहीं आती तो आप मेरे पहले की वीडियो में देख सकते हैं, मैंने उसमें बताया हुआ डिटेल में कि मैं कमर पट्टी कैसे बनाती हूँ। मैंने ऐसे ये पट्टी कट कर ली है, इसको मैं डबल फोल्ड कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पीछे से आगे इसे मोड़ के और ऐसे इसको राउंड में लगा लेंगे। पहले
हमने यहाँ पे कमर पट्टी लगा दी है। ये हमारा नीचे का घेर रेडी हो गया है और ये कितना सुंदर लग रहा है। मैंने यहाँ पे जैसे कि ब्रोकेट का कपड़ा यूज़ किया है, इसकी जगह प्लेन कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। प्लेन कपड़े में आप कॉन्ट्रास्ट ट्राइंगल लगा के भी आप पोशाक बना सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगेगी। अब हम बनाएंगे ऊपर की चोली। चोली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे पट्टी ले ली है, कट कर ली है। जो मैंने ट्राइंगल बनाया उसी कलर की मैंने ऊपर चोली बनाई है और यहाँ पे मैं ऐसे फोल्ड करके बीच में एक सिलाई लगा दूंगी। ये हमारी चोली रेडी हो गई है। मैंने मेरे आगे के सभी वीडियो में बताया कि मैं चोली कैसे बनाती हूँ, तो आप डिटेल में जानना हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने पीछे उल्टा के यहाँ पे ऐसे थ्रेड लगा दिया है और जो मेरे पास दो ट्राइंगल बचे थे वो मैंने ऐसे दोनों तरफ लगा दिया ताकि वो लगेगा कि हमने स्लीव बनाई है। तो ट्राइंगल पूरा स्लीव जैसे लग रहे हैं। तो हमारी पूरी पोशाक रेडी हो गई है। ये बनाना बहुत ही इजी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ मेरी चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। राधे राधे।